हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंटरनेशनल हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। इंटरनेशनल हॉर्स रेसिंग की दुनिया में भी आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है, अब इंडियन रेसेस चालू हो रही है दोस्तों, और जल्द से जल्द इंडियन रेसेस ये मंथ में सारे सेंटर्स की चालू हो जाएगी। इसकी पहली वीडियो में मैंने पूरी डिटेल्स बता दी है दोस्तों, और जैसे जैसे डिटेल्स आती रहेगी मैं आपको फॉरवर्ड करते रहूँगा। दोस्तों, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल ड्रीम्स टू सक्सेस ओनली सक्सेस। ये चैनल आपका चैनल है दोस्तों, और आपको रेगुलर टिप्स मिलती रहेगी, आपको सहायता हम लोगों से मिलती रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। दोस्तों, आते हैं टिप्स पे। हेडॉक की टिप्स जो हैदराबाद सेंटर ने, आज दो सेंटर हैदराबाद ने लिए हैं, एक हेडॉक और एक सेंडाउन पार्क। तो सेंडाउन पार्क की टिप्स तो मैंने दे दी है, अब हेडॉक की दे रहा हूँ। दोस्तों, सेंडाउन में मैंने रेस का डिस्टेंस बताना भूल गया था दोस्तों, और टाइमिंग भी। वैसे मैं सारी वीडियोस बना चुका हूँ दोस्तों कि इंटरनेशनल रेस कार्ड कैसे पढ़ते हैं, वो भी आप देख सकते हैं जाकर के मेरी सारी वीडियो को। अब आते हैं रेस टिप्स पे। दोस्तों, पहली रेस जो हेडॉक की स्टार्ट हो रही है दोस्तों, वो 6 PM को स्टार्ट हो रही है। 1410 मीटर की रेस है दोस्तों, और इसमें जो पसंद है, मैं दोस्तों चार घोड़े देता हूँ। प्लीज़ चारों घोड़ों को चेक करिए। पहला विन देता हूँ, सेकंड देता हूँ, थर्ड देता हूँ, और एक फ्लूक हॉर्स देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं सिंगल भी दे सकता हूँ, लेकिन ये इंटरनेशनल रेसेस है दोस्तों, और यहाँ पर हर घोड़ा ट्राई करता है। यहाँ के ट्रैक बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रैक है, आप लाइव में जा करके देख लीजिए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। पहली रेस में आते हैं दोस्तों। पहली रेस 6 PM को स्टार्ट है, 1410 मीटर की रेस है। इसमें पहला जो मुझे पसंद है दोस्तों, वो 3 विन के लिए पसंद है, नंबर 4 सेकंड के लिए पसंद है, और नंबर 9 थर्ड के लिए पसंद है। और इसमें जो फ्लूक है दोस्तों, वो 1 नंबर फ्लूक मार सकता है दोस्तों, फुल ट्राई में रहता घोड़ा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आते हैं रेस नंबर सेकंड में दोस्तों। रेस नंबर सेकंड 2820 मीटर की रेस है दोस्तों, 2820 मीटर की रेस है दोस्तों, लंबी रेस है दोस्तों। तो यहाँ पर लंबी रेस में फेवरेट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मुझे पसंद है, वो 2 विन के लिए पसंद है दोस्तों, 3 सेकंड के लिए पसंद है दोस्तों, और 6 थर्ड के लिए पसंद है दोस्तों। और यहाँ पर अगर फ्लूक कोई दे सकता है तो 11 नंबर दोस्तों, वो फ्लूक घोड़ा है। और अगर आप ट्राई मारें तो 7 को प्लेस के लिए ट्राई कर सकते हैं, अगर भाव अच्छे रहे तो। अब आते हैं रेस नंबर थर्ड में दोस्तों। रेस नंबर थर्ड में जो मुझे पसंद है दोस्तों, वो है नंबर 1 विन के लिए पसंद है दोस्तों। ये रेस जो है दोस्तों, ये 2370 मीटर की रेस है, 2370 मीटर की रेस है दोस्तों। इसमें 1 नंबर मुझे विन के लिए पसंद है, नंबर 7 सेकंड के लिए पसंद है दोस्तों, और नंबर 6 थर्ड के लिए पसंद है। और यहाँ पर जो फ्लूक मार सकता है दोस्तों, वो है नंबर 5। ये डार्क हॉर्स है दोस्तों आज का। ओके दोस्तों, अब आते हैं रेस नंबर 4 पे दोस्तों। रेस नंबर 4 में जो मुझे पसंद है दोस्तों, वो है नंबर 12 विन के लिए दोस्तों। ये रेस जो है नंबर 4, ये 2370 मीटर की ये भी रेस है दोस्तों। इसमें जो मुझे पसंद है, नंबर 12 फॉर विन के लिए, नंबर 2 फॉर सेकंड के लिए दोस्तों, और नंबर 6 थर्ड के लिए दोस्तों। ओके दोस्तों, और इसमें जो फ्लूक है दोस्तों, वो है नंबर 16। अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, अगर प्लेस के भाव अच्छे मिले, SHP TSHP जो आपकी इच्छा करे वो खेलिए दोस्तों। अब आते हैं रेस नंबर 5 पे दोस्तों। रेस नंबर 5 जो है दोस्तों, वो 1210 मीटर की है, छोटी रेस है दोस्तों। उसमें रेस नंबर 5 में जो मुझे पसंद है दोस्तों, वो है नंबर 1 विन के लिए दोस्तों, नंबर 2 सेकेंड के लिए दोस्तों, और नंबर 5 थर्ड के लिए। और इसमें जो फ्लू घोड़ा है दोस्तों, वो है नंबर 3। ये फुल ट्राई घोड़ा है दोस्तों, ये ट्राई कर सकता है, प्लेस तो आनी ही चाहिए। अब आते हैं रेस नंबर 6 पे दोस्तों। रेस नंबर 6 भी 1210 मीटर की रेस है, छोटी रेस है दोस्तों, और इसमें जो मुझे पसंद है दोस्तों, वो है नंबर 6 विन के लिए पसंद है दोस्तों, नंबर 2 सेकंड हॉर्स के लिए पसंद है दोस्तों, और नंबर 5 थर्ड हॉर्स के लिए पसंद है दोस्तों। और इसमें जो फ्लूक है दोस्तों, वो है नंबर 3। इसमें भी फ्लूक है दोस्तों, ये घोड़ा पीछे से आकर के मार सकता है दोस्तों, क्योंकि ये पिछली 3 बार से सेकंड थर्ड हो रहा है दोस्तों, और 3 नंबर का चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे दोस्तों। बट दोस्तों, ये इंटरनेशनल हॉर्स रेसिंग है, तो मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को फेवरेट घोड़े बता दूँ, ताकि जब रेस स्टार्ट होती है उस वक्त आप चॉइस करके आपकी एक पसंद, जिसमें कि प्लेस अच्छा मिल जाए आपको और आपको मैच हो जाए, तो दोस्तों उसको खेल लीजिए, आप पैसा ज़रूर कमा सकते हैं दोस्तों।
अब आते हैं रेस नंबर सेवन पे दोस्तों। रेस नंबर सेवन जो है वो 1010 मीटर की रेस है। ये सबसे छोटी रेस है दोस्तों, लास्ट रेस है। हो सकता है फ्लूक भी इसमें आ जाए, फ्लूक के चांसेस भी बनते हैं, लेकिन इसमें मुझे जो पसंद है दोस्तों वो है नंबर वन विन के लिए दोस्तों पसंद है, नंबर सिक्स सेकेंड के लिए दोस्तों पसंद है, और नंबर एट थर्ड के लिए पसंद है दोस्तों। और इसमें जो फ्लूक घोड़ा है वो है नंबर फोर दोस्तों। ये फ्लूक घोड़ा है, ये फुल ट्राई के लिए रहेगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। दोस्तों ये इंटरनेशनल हॉर्स रेसिंग है, बहुत सोच समझ के और देख के रेसेस को खेलिएगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो दोस्तों। अगर रेस में कोई घोड़ा पसंद नहीं आए दोस्तों, समझ में नहीं आए, तो रेस को स्टॉप कर दीजिए। जहाँ आप विन हो जाएँ वहाँ से बैटिंग को स्टॉप कर दीजिए दोस्तों। लगातार बैटिंग होती रह रही है। आप अगर इंटरनेशनल साइट पे जाएंगे, Bet365 पे जाएंगे दोस्तों, तो पूरे दिन आप रेस खेल देंगे, लेकिन रेस खेलते खेलते थक जाएंगे दोस्तों, लेकिन रेस ख़त्म नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करिए, इंतज़ार करिए उस घोड़े का। एक अच्छा घोड़ा अगर आपको मिल जाता है तो वो आपकी लाइफ बना सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप इसमें से अच्छा घोड़ा, एक जो आपको पसंद आ जाए। अगर आपको चारों नहीं खेलना है, तीन नहीं खेलना है, क्योंकि मैं इसलिए चारों टिप्स देता हूँ दोस्तों कि कई लोगों को क्या होता है कि क्योंकि ये हॉर्स है दोस्तों, ये एनिमल है दोस्तों। अब उस वक्त उसका मिजाज क्या होगा, उस वक्त ट्रैक का कंडीशन क्या होगा, वहाँ की हवाएं कैसी होगी, उस वक्त उस घोड़े का मन कैसा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैं इसलिए देता हूँ दोस्तों कि वो जानवर है दोस्तों, उसकी स्पीड रेटिंग वेट सारे कैलकुलेशन करने के बाद भी उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रैक के ऊपर डिपेंड करता है, उसका क्या मन है। तो दोस्तों वो फर्स्ट से सेकेंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, या बोर्ड आउट भी हो सकता है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ हम अपनी बेस्ट टिप्स देते हैं दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ड्रीम्स टू सक्सेस ओनली सक्सेस। ये आपका चैनल है दोस्तों, और इंडियन रेस टिप्स मैं कैसी देता हूँ आपको तो मालूम है दोस्तों। हमारी टोटल 80% टिप्स पास होती है दोस्तों, कभी कभी तो 100% टिप्स पास होती है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ हमारी सारी वीडियो को देखिए, हमारी सारी टिप्स रेगुलर आती रहेगी। इंटरनेशनल टिप्स टोटल ऑल सेंटर्स की मैं 2 महीने से दे रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट शायद मैंने ही स्टार्ट किया इंटरनेशनल हॉर्स रेसिंग टिप्स देनी। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, और कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, और आने वाले दिनों में हम सब मिलकर बहुत अच्छा कार्य करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।